करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है, और दूसरी तरफ जो बैंक है SBI बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है, और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई US की कंपनी, एक हिडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है, और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है, और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, और जो ये LICs SBI दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो, और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है, और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसे, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। नहीं तो सारे लोगों का, इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं, और हमारा डिमांड यही है चर्चा कराओ, और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए, यही हमारा डिमांड है। इसीलिए हम आपके पास आए, और सारे पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी एक एक मिनट अपनी बात रखेंगे, आप उनका भी ज़रा सहन से, आपको तो सहनशीलता है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनकी बात भी सुने। थैंक यू।